नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रितेश कुमार, आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताऊंगा कि रियल मोड में कैसे स्तनपान कराने वाली माताओं का एंट्री करते हैं, और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि गर्भवती महिला को कैसे रजिस्ट्रेशन करना है रियल मोड में। आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन करना है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्तनपान कराने वाली माताओं का कैसे एंट्री करना है। मैं आपको एंट्री करके भी दिखाऊंगा, और साथ ही मैं वीडियो के बीच बीच में बताता रहूंगा कि जो भी आप लोग के कमेंट आते हैं उसको मैं इसी वीडियो के बीच में सॉल्व करने का कोशिश करूंगा कि आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन हो जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जो भी मैं आंगनबाड़ी से रिलेटेड वीडियो बनाऊं आप सब तक पहले पहुंचे। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, वहीं से आपको बताएंगे कि कैसे आप लोग को एंट्री करना है। तो हम लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं। स्क्रीन पर आने के बाद यहां पर देख सकते हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप है, इसको हम लोग चलिए ओपन करके देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो देख सकते हैं मैंने पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद यहाँ पे यूज़र आईडी से आप लोग अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से और एमपिन डाल के लॉगिन हो सकते हैं। और लॉगिन होने के बाद जो कोने में ऑप्शन दिखाई दे रहा है लैंग्वेज सिलेक्ट करने का, यानी कि भाषा बदलने का, तो आप लोग यहाँ से भाषा बदल सकते हैं। आपको जिस भाषा में समझने में आसानी हो उस भाषा को आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग भाषा सिलेक्ट कर लेते हैं, अपने भाषा को सिलेक्ट कर लिया है। जो देख सकते हैं यहाँ पे लैंग्वेज अब जो है कि इंग्लिश में था तो अब हिंदी में दिखाने लगा है। तो चलिए हम लोग अब समझ लेते हैं कि स्तनपान कराने वाली माताओं को कैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड भरा जाएगा वो रियल मोड में भरा जाएगा, तो रियल मोड में जो भी रिकॉर्ड है उसको मैं भर के आप लोगों के सामने दिखाऊँगा। तो इसी प्रकार से आप लोग भी भरिएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्तनपान कराने वाली माताओं के लिस्ट ओपन करेंगे। तो यहाँ पे टच करेंगे तो ये आपका लिस्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं जोड़ा गया है, तो हम चलिए आपको रिकॉर्ड जोड़ के बताएंगे कि कैसे कैसे आपको रिकॉर्ड जोड़ना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लाभार्थी जोड़े पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लाभार्थी का नाम लिखेंगे, पति का नाम लिखेंगे, आधार संख्या लिखेंगे। आधार संख्या लिखना इसमें बहुत ही ज़रूरी है, सन दो बार नहीं होगा, सिर्फ एक ही बार होगा, तो आधार संख्या ज़रूर लिख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग लाभार्थी का नाम, पति का नाम, सारा डिटेल्स भर के आपको फिर से दिखाते हैं। तो यहाँ पे लाभार्थी का नाम लिख दिए हैं मीना कुमारी, पति का नाम अरविंद कुमार महतो, उसका आधार संख्या, और यहाँ पे स्वास्थ्य आईडी है तो डालिए वरना इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद जन्म की तारीख डालना है, तो यहाँ पर जन्म का तारीख भी डाल चुके हैं। और उसके बाद जन्म की तारीख डालने के बाद जन्म का साल यहाँ पे नहीं शो करेगा, क्योंकि जन्म का तारीख ही डाल देंगे तो जन्म का साल नहीं शो करेगा। अगर जन्म का साल याद है तो केवल जन्म का साल ही लिख देंगे, तो जन्म का तारीख डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे भी आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लाभार्थी का मोबाइल नंबर या लाभार्थी के पति का मोबाइल नंबर, किसी एक का मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर डिलीवरी की तारीख डालना है, जब आप उस लाभार्थी का डिलीवरी हुई थी उस दिन उस तारीख को यहाँ पे डाल देंगे, या बच्चे का जन्म की तारीख डाल देंगे, दोनों एक ही है तो यहाँ पे डाल के। और उसके बाद यहाँ पे मेल फीमेल सेलेक्ट करना है, बच्चा है या बच्ची है, लड़का है या लड़की है, उसको यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आप लोग फॉर्म को सबमिट करेंगे, तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर मेरा फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो सबमिट होने के बाद यहाँ पे उसका डाटा सारा शो कर रहा है, देख सकते हैं। कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट का ऑप्शन आता है, आप लोग यहाँ से प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं, जो भी चेंज करना चाहते हैं उसको चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए फिर मैं नेक्स्ट लाभार्थी का भर के दिखा रहा हूँ आपको। तो फिर से दूसरे लाभार्थी का भरना है, तो यहाँ पर लाभार्थी जोड़े पर क्लिक करेंगे, फिर दूसरे लाभार्थी का नाम लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने दूसरे पिंकी कुमारी, दीपक कुमार, आधार नंबर डाल दिए हैं, जन्म की तारीख डाल दिए हैं, उसके बाद मोबाइल नंबर और डिलीवरी की तारीख, और बच्चा लड़का है या लड़की उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल। उसके बाद फिर से इस फॉर्म को सबमिट करेंगे, तो
ये भी फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका जितना भी फॉर्म है आप लोग यहाँ से बारी बारी करके फॉर्म को सबमिट कर लेंगे। और मैं आपको इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप लोगों का कोई फॉर्म अगर गलती हो जाए तो उसको कैसे डिलीट का ऑप्शन तो नहीं है लेकिन इसमें कैसे उस फॉर्म को एडिट करेंगे उसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और चलिए फिर मैं आपको तीसरा फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ इसी में। तो फिर से मैं तीसरे फॉर्म पर जाऊँगा। तो यहाँ पर मैंने तीसरा फॉर्म भी सारा डिटेल्स भर दिया है, पूजा देवी सनी पटेल। और यहाँ पे जो आधार नंबर है वो लाभार्थी का ही डालना है। और उसके बाद मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे शिशु लिंग पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप लोग मेल फीमेल, तो फीमेल है, बच्ची है, इसके लिए मैंने फीमेल पे सेलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करेंगे, तो यहाँ नीचे सबमिट का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म जो है कि यह भी सबमिट हो जाएगा। तो मैंने आपको तीन फॉर्म सबमिट करके दिखा दिया। जो यहाँ पे अगर आप लोग के लाभार्थी में चाहे जो भी आप लोग फॉर्म भर रहे हैं जिनका भी आप नाम ऐड कर रहे हैं तो उनका नाम अगर आप लोग डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट नहीं होगा। उसके जगह पे आप लोग क्या कीजिएगा, जिसका भी आप लोग नाम हटाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर थ्री डॉट पर जाइएगा। थ्री डॉट पर जाने के बाद प्रोफाइल अपडेट करे पर जाइएगा और यहाँ पर इनका सारा डिटेल्स हटाना है। तो यहाँ पे आप लोग जिनका भी नया नाम जोड़ना है, नए लाभार्थी का नाम जोड़ना है, उसको यहाँ पे आप लोग उसका नाम लिख देंगे, पति का नाम लिख देंगे, इसको यहाँ पे चेंज करके उस सारा चीज़ उस लाभार्थी का डिटेल्स यहाँ पे डाल देंगे तो इस लाभार्थी का नाम हट के उस लाभार्थी का नाम वहाँ पर शो करने लगेगा। तो इसी प्रकार से आप लोग चाहे तो उसको डिलीट, चाहे तो उसको आप लोग यहाँ से सारा चीज़ चेंज कर सकते हैं, तो उस लाभार्थी का नाम यहां से हट जाएगा। और उसके बाद आप लोग फिर से थ्री डॉट पे जाएंगे, यहां पे थ्री डॉट दिखाई दे रहा है, फिर इस पे जाएंगे। इस पे जाने के बाद फिर दूसरा ऑप्शन आता है जानकारी एंटर करें। तो जानकारी एंटर करने में आप लोग को तीन स्टेप में जानकारी एंटर करना है। वो कैसे करना है आप लोग को यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर पोषण स्तर है पहला स्टेप, तो यहाँ पर आप लोग को शिशु का वज़न लिखना है जो कि किलोग्राम में लिखना है। तो यहाँ पे वज़न 1 से 8 किलोग्राम के बीच होना चाहिए, तो यहाँ पे आप लोग उसका वज़न डाल देंगे जितना भी वज़न होगा जन्म के समय। उसके बाद यहाँ पे हुआ था उस समय उस बच्चे का हाइट कितना था, ऊंचाई कितना था, उसको यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ 12 से 30 इंच के बीच होना चाहिए। उसके बाद आता है क्या प्रसव के पहले घंटे के दौरान बच्चे को स्तनपान करवाया गया था, तो इस पर हाँ पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद क्या बच्चे को केवल स्तनपान करवाया जाता है, उस फिर भी हाँ पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद आता है यहाँ पे फिर हाइट यूनिट, तो यहाँ पे भरना है आपको जो लाभार्थी हैं, जो स्तनपान कराने वाली माता हैं उनका यहाँ पे हाइट भरना है। तो यहाँ पे 30 से 120 इंच के बीच होना चाहिए, तो यहाँ पे आप लोग उनका जितना भी ऊंचाई है यानी हाइट है उसको यहाँ पे डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे वज़न डालना है लाभार्थी का, 5 से 30 ग्राम प्रतिदिन के बीच होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 से 30 ग्राम का जो भी हीमोग्लोबिन है उसको यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ सबमिट का ऑप्शन आता है, यहाँ पर सबमिट करेंगे तो आपका यहाँ पर सारा रिकॉर्ड सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आता है दूसरा स्टेप पोषक आपूर्ति। तो पोषक आपूर्ति में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या आपको कोई पोषक आपूर्ति दी गई है, तो जो भी आपको पोषक आपूर्ति दी गई है, आयरन की गोली, विटामिन की गोली, कैल्शियम की गोली, जो भी आपको दिया गया है तो आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे ऊर्जा का सेवन क्या है, कैलोरी प्रतिदिन डालना है जो कि ये वैकल्पिक है, इसको आप लोग भरिए या इसको आप लोग छोड़ देंगे तो भी आप लोग का फाइल रिकॉर्ड जो है सबमिट हो जाएगा। फिर से यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे सबमिट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे तीसरा स्टेप है पोषक हस्तक्षेप, क्या आपको प्रदान किया जाता है, तो आप लोग को क्या प्रदान आपको दिया जाता है, तो यहाँ पर टेक होम राशन का आप लोग देते हैं, तो यहाँ पे टेक होम राशन को भी सिलेक्ट कर लेंगे। गरम पकाया हुआ भोजन आप लोग देती हैं तो यहाँ पे उसको सिलेक्ट कीजिएगा। जो भी सेवाएं आप वो लाभार्थी प्राप्त कर रही है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुष, तो उसको यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, आप लोग सबमिट कीजिएगा तो आपका रिकॉर्ड
सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और इस और पोषण ट्रैकर ऐप से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई देने का कोशिश ज़रूर करूंगा और रिप्लाई देता भी हूं। जितने लोगों का कमेंट आता है मैं उन सभी का रिप्लाई ज़रूर करता हूं। तो आशा करता हूं कि वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो अपने ग्रुप में, जितने भी ग्रुप हैं आंगनबाड़ी के, उन ग्रुप में शेयर कीजिए और सारा जानकारी उन सभी आंगनबाड़ी बहनों तक पहुँचाइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।